राखी ने टेके जैस्मीन के आगे घुटने। जैस्मीन ने सारी हदें की पार। जी हाँ, बिग बॉस के घर में नए साल की तैयारियां हैं और इस पार्टी के माहौल में भी जैस्मीन अपना बदला लेना नहीं भूली। दरअसल चैलेंजर्स को दिया गया है कैप्टन बनने का मौका और जहां तीन पार्टीज हैं, जहां अर्शी खान की पार्टी होती है, राहुल महाजन की पार्टी होती है, राखी सावंत की पार्टी होती है। जिसकी पार्टी में ज्यादा लोग इंजॉय करेंगे वो होगा घर का अगला कैप्टन। यानी कि राखी की पार्टी में कोई भी नहीं जाता क्योंकि सभी घर वाले राखी से नाराज नजर आते हैं, जिसके बाद राखी हैं जो जैस्मीन के आगे हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि जैस्मीन प्लीज मेरी पार्टी में आओ ना। जिस पर जैस्मीन कहती हैं कि मैं क्यों आऊं, आप मेरे आगे घुटने टेके माफी मांगे और कहे कि आपने उस दिन जो हरकत की थी वो झूठी हरकत थी, आपने सिर्फ नाटक किया था। जिसके बाद राखी कहती हैं नहीं वो नाटक नहीं था, लेकिन मेरे को जो स्क्रैचेस आए थे वो तुम्हारे डक मास्क से आए थे, जिसके बाद जब मैंने सर पटका तो मेरे नोज में चोट लगी। पहले यहाँ पर राखी ने कहा कि मैं अपनी माँ की कसम झूठ नहीं खाती हूँ, मैं माँ की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। जिसके बाद भी जैस्मीन अपने अड़ियलपन से दूर नहीं हटती हैं, अपना अड़ियलपन दिखाती हुई नजर आती हैं और राखी को ऐसे घुटने पे बैठे देख विकास गुप्ता और राहुल वैद्य नहीं देख पाते हैं। राहुल वैद्य जैस्मीन को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जैस्मीन का जो अड़ियलपन है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। वेल, जिसके बाद कैप्टेंसी टास्क के दौरान खत्म होने के बाद भी इन दोनों के बीच एक फिर से झगड़ा देखने को मिलता है, फिर से वही तूतू मैमा देखने को मिलती है जहां जैस्मीन है टॉन्ट कसती हुई नजर आती हैं। खैर, आपकी नजर में कौन है सही कौन है गलत, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।